एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में चाइनीज स्टूडेंट्स हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें इंडियन स्टूडेंट्स दरकार हैं। यूएस को साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडियन स्टूडेंट्स को ज्यादा एडमिशंस देने चाहिए। तार साहब, अमेरिका की कांग्रेस के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने हमारे खिलाफ एक करारदाद पास कर दी है। हम तो जिसे वो कहते हैं ना, दुनिया में बनाना रिपब्लिक समझ बैठी है कि जिसका जो मुंह में आता बोल देते हैं। पाकिस्तान ने अमरीकी अवान नुमाइंदगान की करारदाद का नोटिस ले लिया। दफ्तर खारजा के तर्जमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि करारदाद का वक्त और सियाक व सबाक दो तरफा ताल्लुकात के साथ हम आहंग नहीं। और दूसरा, इस वक्त मुर्शाद हुसैन साहब की एक जो है वो क्लिप वायरल है, तो वो किसी चाइनीज से पूछ रहे हैं कि आप बिजनेस करना कंफर्टेबल ना अफगानिस्तान में कंफर्टेबल और सेफ समझते हो या पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा अफगानिस्तान। मगर एक ऐसा भौंचाल पाकिस्तान में आ चुका है जिसे आप कह सकते हैं कि दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है, और यह है अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से एक करारदाद की मंजूरी दी गई। डॉक्टर साहब, अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात का मुतालबा कर दिया गया है। देखिए, ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद मंजूर हुई है जी, और पाकिस्तान के इंतखाबात जो हुए हैं उसके ऊपर उन्होंने सवाल यह निशान उठाया। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का ईपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, दो खबर जो कि अमेरिका से आई है उसकी चर्चा काफ़ी जोरों शोरों से है, और वो भी क्यों नहीं, क्योंकि अमेरिका ने जो स्टेप लिए हैं जिसमें एक तो सीधा पाकिस्तान के ऊपर हमला है और दूसरे में पाकिस्तान का आगा यूँ कहें कि दूसरा मालिक चाइना के ऊपर हमला किया है, जिसको देख सुन करके पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी मातम माना जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया एक बात और भी डिस्कस कर रही है कि इन दिनों हालांकि मोदी डायरेक्टली अमेरिका या चाइना या पाकिस्तान के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं, न कोई बयान दे रहे हैं और न ही कुछ ऐसा एक्शन लिया है, लेकिन बिना बोले और कहे दुनिया भर में कुछ ऐसा भी हो रहा है जिससे खासतौर से इंडिया को काफ़ी फ़ायदा है और हो रहा है, अगर बात करें इस कंसर्न पर रखते हुए कि सामने चाइना है। और ऑब्वियसली अब इसमें कोई दो राय नहीं रही कि जिस तरह से चाइना ने इंडिया के साथ पिछले कुछ सालों में बिहेव किया है और साथ ही साथ समय समय पर पाकिस्तान को सीधे सीधे आतंक के ऊपर भी चाइना ने सहयोग दिया है। दोस्तों, बाकी आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। तो मोदी साहब कह तो कुछ नहीं रहे, भारत कहता कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैसले इस वक्त हमें होते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसमें भारत का फायदा हो रहा है। चीन का नैन्सी पेलोसी के दौरे पर अमरीकी सफीर को तलब करके एहतजाज। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में चाइनीज स्टूडेंट्स हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें इंडियन स्टूडेंट्स दरकार हैं। डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैम्बल ने ये कहा है कि यूएस को साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडियन स्टूडेंट्स को ज्यादा एडमिशंस देने चाहिए, जबकि चाइनीज स्टूडेंट्स को वेलकम करना चाहिए लेकिन ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। तो देखिए, अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात खराब होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे इस तरह की डेवलपमेंट सामने आ रही है। देखिए, इनका कहना ये है कि ऐसा क्यों होना चाहिए। एक तो ये कि चाइनीज स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ती है, लेकिन कर्ट कैम्बल का ये कहना है कि चाइनीज स्टूडेंट्स को आप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जगह दें लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में। इसकी वजह यह है कि उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और अमेरिका को ये शक है, बल्कि उनको ये यकीन है यहाँ पर कि चाइनीज स्टूडेंट्स अमेरिका में आकर तालीम हासिल कर रहे हैं और उन्होंने साइंस सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले रखे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि चाइनीज स्टूडेंट्स ये जो टेक्नोलॉजी है, एक्सपर्टीज है अमेरिकन्स की, वो चुरा कर ले जाएं। ये सिर्फ एक एजुकेशन की ही न्यूज़ नहीं है, बल्कि ये जियोपॉलिटिक्स भी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भारत कहता कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैसले इस वक्त हमें होते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसमें भारत का फायदा हो रहा है। तो मोदी साहब कह तो कुछ नहीं रहे, मोदी साहब करते हुए इस तरीके से इन फैसलों में तो वो शामिल नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं उसमें हमें नजर आ रहा है कि भारत की जीत होती हुई नजर आ रही है। और मोदी साहब की जो हुकूमत है, एक के बाद एक ऐसे फैसले कर रही है कि जिससे चाइना
पिछले कदमों पे जा रहा है। देखें, इससे पहले एक बहुत बड़ा फैसला हुआ था कि चाइना की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि फ्लाइट्स खोल दें, इंडिया और चाइना के बीच हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं खोली। चाइना का रिक्वेस्ट करना, इसका मतलब ये है कि चाइना को ज़रूरत है। कि कुछ दिन पहले हमने ये देखा कि अमेरिका की तरफ से एक डेलीगेशन धर्मशाला पहुंचता है, वहां पर दलाई लामा से मीटिंग होती है, उस पर भी चाइना को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची है। और G7 से लेकर उसके बाद अब तक आप देख लीजिए, दीगर कंट्रीज हैं उनकी तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो कि चाइना के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली उनका फ़ायदा भारत को पहुंच रहा है। अब देखिए, ये जो हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, इसमें एक और बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि अमेरिका इंडियन स्टूडेंट्स पर ट्रस्ट करता है। उनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत बेमिसाल हैं, ज़बरदस्त हैं, इस वजह से पूरी दुनिया में आप देखिए उनकी कितनी डिमांड है। पूरी दुनिया के टेक कंपनीज उठाकर देख लीजिए, सुंदर पिचाई से लेकर अजय बंगा तक, वहाँ पर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट्स में, कंपनीज में इंडिया की यूथ नज़र आती है, पूरी दुनिया जानती है। तो अब अमेरिका की तरफ से ये एक फैसला उस खबर के बाद आया, और वो खबर क्या थी जिसमें हमने आपको ये बताया था कि अमेरिका के जो साबिक सदर हैं उन्होंने ये कहा है कि अब जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको वापस नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको यहीं पर रहना चाहिए पढ़ के, क्योंकि वो वापस जाकर बिलियनियर्स बन जाते हैं। ट्रंप ये बात की थी। तार साहब, अमेरिका की कांग्रेस के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने हमारे खिलाफ एक करारदाद पास कर दी है, ये पाकिस्तान को कुछ, जिस मुल्क का जो दिल करता है पाकिस्तान के बारे में कहता रहता है, तार साहब ये क्या हो रहा है? हम तो जिसे वो कहते हैं ना दुनिया में बनाना रिपब्लिक समझ बैठी है कि जिसका जो मुंह में आता है बोल देता है। मेरे ख्याल में अब तो बनाना रिपब्लिक भी है वो बेहतर नजर आता है पाकिस्तान से। हालात इस तरह चल रहे हैं जो कल परसों से कोई नई चीजें आ रही है कि पाकिस्तानी अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा, इस वक्त मुशाहिद हुसैन साहब की एक जो है वो क्लिप वायरल है कि वो किसी चाइनीज से पूछ रहे हैं कि आप बिजनेस करना कंफर्टेबल ना अफगानिस्तान में कंफर्टेबल और सेफ समझते हो या पाकिस्तान में? तो उन्होंने कहा अफगानिस्तान। तो और जो आपका वो जो इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है उसके अंदर एक अजीब एक बकरा मंडी बन चुकी है, और जो आप वो अजमे इस्तेकाम शुरू कर रखी है उसके पीछे भी पैसा ही मौजूद है, क्योंकि वजह यह है कि अब चाइनीज ने रिफ्यूज कर दिया। वो कहते हैं हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, सीपैक पे हम काम तब शुरू करेंगे, आपको पैसे तब देंगे अगर हमारे इंजीनियर वहां से आप मारने बंद करें। तो आप उनके लिए हालात साजगार कर रहे हैं, आप पाकिस्तान बचाने के लिए अजमे इस्तेकाम नहीं हो रही। वो उसके पीछे भी डॉलर और पाउंड ही मौजूद है। जो मेरा अपना एक मुशाहिदा है जो मैं खुद देखता हूँ चीजें, साहब ये कहते हैं ना कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, एक लफ्ज है उसको मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। उसका मकसद दर हकीकत ये होता है कि हमें हिस्सा नहीं मिल रहा अपनी चीजों का। रेजोल्यूशन 901 पेश किया गया है कांग्रेस के अंदर, 7 versus 368, जिसके ऊपर उन्होंने अपने रिजर्वेशन है उनकी कि जमहूरियत और इंसानी हकूक के बारे में बात की जाए। ये वाकई एक लम्हा फिक्रिया है मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए।